बहुत चंगी सी मेरी कुड़ी, मैं कभी सोच नहीं सकती सी मेरी कुड़ी ऐसा होगी। इंटरनेट लेके दिता पढ़ाई की खातर भी पढ़ूगी, उस बाद पढ़ाई भी बहुत शियार सी। एक दिन जिदा सानू थोड़ा ओ शक होया कि वो इंटरनेट ते बैठी है, तो असि थोड़ा देखना शुरू कर दिता, तो जो असि होंगे से बंद करने लग जाती सी। फिर एक दिन हौली हौली असि ओनू पूछया तो मैनू कहंदी मम्मी मैं पढ़ाई कर दी आ। थोड़ी देर बाद फिर एक दिन मैनू कहंदी मम्मी मैं तेरे नाल कोई गल करना चाहुंदी आ, तो भी इदा करके कोई मुंडा हैगा गा मैं ओनू लाई कर दी। मैं पूछा भी कौन आ कास्ट दे विच, कहंदी मुसलमान आ। मैं क्या नहीं मुसलमान मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आप सिख हाँ, मैं चाहनी हाँ कि तू सिख मुंडा ही लभे। फिर कहंदी ओके माम चल ठीक आ। कदे घर बाहर नहीं गई सी, पार्टियां ते किते कुछ नहीं किता सी, बहुत चंगी कुड़ी सी। बस मुसलमान ने ओनू इंटरनेट ते जिदा चैट करदे करदे ने अपनी गल्लां दे विच लै लिया, पता नहीं ओनू की जादू किता, सानू कोई पता नहीं लग्या। फिर ओनू स्कूल दे मूहरे मैन ला गया, ट्रेन च मैन ला गया। असि ओनू बहुत बारी पूछा भी दस दे, हमेशा उसका झूठ बोलन लग गई। पहला कदे ओने जिंदगी च झूठ नहीं बोलिया सी। ओनू अपने कल्चर बारे भी बहुत पता हैगा, ये नहीं हैगा कि नहीं। फिर जो लास्ट ओनू बर्थडे हुए 15 साल तो बाद 16 साल के बर्थडे हुए, तो जिदा 2 दिन बाद घरों चली गई, स्कूल गई, वापस नहीं आई। तो मैं मुसलिम भी फोन किया, ओदे फ्रेंडा तो लैके मुसलिम मेरे को यही कह लग गया कि नहीं मेरे नाल नहीं हैगी, किसी होर मुंडे दे नाल आ, मैं हेल्प करूंगा लभण दी, मैं तुहाडी पूरी मदद करूंगा। मैनू उहने अपनियां गल्लां च पाई रखिया, मैं उहदे ते यकीन करी गई। एंड ऑफ द डे मेरी डॉक्टर ने मैनू फोन किया कि मम्मी वो प्रेगनेंट आ। ते मुंडा दी उमर किन्नी आ? मुंडे दी उमर 25 साल दी आ, कुड़ी 15 साल दी आ, मुंडा 25 साल दा। वो इत्थे पढ़ाई करन आया होया, मैं सोचिया जिद्दां इस कंट्री दे विच पक्का होना सी, उहने मेरी डॉक्टर नूं जूस कीता। बाद विच मैं उहदे बहुत मेहनतां कीतियां, 5 महीने लई असीं उहदा फेस नहीं देखिया कि किद्दां दी हैगी आ किद्दां दी नहीं हैगी। हुण जदों सानूं उहदे बारे पता लग्गिया कि उह प्रेगनेंट आ, उहदे कोल बेबी होया, तां फिर असीं सुल्ले नूं भी देखिया, जिद्दां फेस टू फेस उहदे नाल गल्लां कीतियां, पर उह जिद्दां असीं उहनूं कहा वी असीं विआह करांगे तेरा इहदे नाल, पर उह मैनूं कहिंदा कि नहीं मैं ब्याह करूंगा पर मैं तुहाडे गुरुद्वारे च जाके मत्था नहीं टेकूंगा, तुहाडे अगे झुकूंगा नहीं गा। फिर असीं उहनूं उहदे फैमिली बारे भी बहुत गल्लां पुछियां, उह सानूं कहिंदा कि मैं आपदी फैमिली जे मेरी सिस्टर इदां करूगी मैं कदे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जे मेरी सिस्टर किसी सिख नाल जां किसी होर नाल जाऊंगी ते असीं उहनूं किल कर देवांगे। मैं इही कहना चाहुंदी आ कि जिद्दां अज असीं औखे ना, इक सुल्ले ने साडी जिंदगी सारी खराब कर दित्ती आ, कदे भी किसी कोई भी कदे किसी दे नाल इदा ना होवे। मैं सारियां अपनियां धीआं भैणां नूं इही बेनती करदी आं कि अपने मां बाप दे कहने च रहो, अपने मां बाप दी सुनो। मां बाप एक बहुत वड्डी अनमोल चीज आ, उहनूं ना गवा। जिहड़े सुल्ले आ ते आपणीआं कुड़ियां नूं लै जांदे आ, उहनां नूं यूज करके बाद विच बेचदे आ ते उहनां नूं छड्डदे आ। रीत रिवाज दे नाल पर मैं सिखां तुहाडे अगे झुकूंगा नहीं गा, कदे गुरुद्वारे नहीं जाऊंगा। मैं इदां साडी उहदे नाल बहुत आर्गूमेंट होई आ, ते कुड़ी नूं भी असीं बहुत समझाया सीगा वी देरे तेरे मूहरे इदां सारा कुछ कह रहा वी तूं लिसन कर ला। तां कुड़ी साडी बिलकुल चौपा कुछ कह नहीं रही, बस रोई जांदी आ, कोई गल नहीं करदी, बस ओह सिखां दीआं कुड़ियां खराब कर गई। ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਲੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਬੇਬੀ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਨੀ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਏਜ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕਾ ਚ ਕਰੂੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਓਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ Night when the singer used to do Ardas, do you know what they used to say? Maharaj, char per din aap de paane andar sukha naal pratit hoya,
चार पैर रहन आई है सुखा नाल बतीत करने. That means the day has gone in happiness, may the night go in happiness as well. When they had 2 of their bachche around their necks.